जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल क्रिएटिव आईटीआई पे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में। साथियों, जैसा कि देखा जा रहा है कि आरआरबी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग एक नोटिस साथियों बहुत ही ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। साथियों, हर एक व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब पे, हर एक जगह एक नोटिफिकेशन जो है साथियों, जो कि आरआरबी टेक्नीशियन के रिगार्डिंग है, वो बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। तो साथियों, जिसमें कि बताया जा रहा है कि आरआरबी टेक्नीशियन में वैकेंसियां इंक्रीज हुई है, और जो वैकेंसी पहले 9,000 कुछ सीट था, वो बढ़ा के 30,365 पोस्ट कर दिया गया। साथियों, तो इसमें क्या सच्चाई है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या इसका क्या सूचना है साथियों, इसके बारे हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे साथियों। लेकिन साथियों, इससे पहले हम ये देखेंगे कि आरआरबी एएलपी में साथियों, सिंध के 18 तारीख को एक नोटिफिकेशन आया था, जिसमें बताया गया था कि आरआरबी एएलपी का वैकेंसी जो है वो बढ़ के 18,779 पोस्ट कर दिया गया है साथियों। और ठीक आज साथियों 19 तारीख को उसका ऑफिशियल लेटर वेबसाइट पे, आरआरबी के वेबसाइट पे जारी कर दिया गया साथियों, जिसमें ये ऑफिशियल बताया गया कि हाँ, एएलपी का वैकेंसी बढ़ा के 18,779 कर दिया गया है। और साथियों, इसके रिगार्डिंग एक और सूचना आया कि वैसे स्टूडेंट जो अब वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद वो सोच रहे हैं कि हमारा जोन गलत सिलेक्शन हो गया, हमने गलत सिलेक्शन कर लिया जोन का, तो उनको जोन चेंज करने का मौका दिया जाएगा साथियों, वो अपना जोन चेंज कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, वो इसमें अब कोई दूसरा फॉर्म नहीं भर सकते हैं, जो नहीं भर पाए हैं वो तो नहीं भर पाएंगे, जितने लोग भरे हैं ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, उनको एक सुनहरा मौका है। लेकिन जो भर चुके हैं और उन्हें लग रहा है कि शायद हमने जोन गलत चूज कर दिया, तो रेलवे ने ये फैसिलिटी दिया है, वो डेट निकालने वाला है कि आरआरबी एएलपी के रिगार्डिंग कि आप अपना जोन शिफ्ट कर सकते हैं, अपना जोन चेंज कर सकते हैं। जो जिस जोन में है आप दूसरे जोन में अगर सिलेक्शन करना चाहें तो दूसरा जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। ये तो साथियों एएलपी के रिगार्डिंग था। अब साथियों, हम विस्तार से बात करते हैं आरआरबी टेक्नीशियन के बारे में। तो साथियों, पहले 9,400 पोस्ट लगभग था टोटल ऑल ओवर जोन मिला के आरआरबी टेक्नीशियन में, जो कि साथियों एक नोटिस सर्कुलेट हो रहा है साथियों, जिसमें बताया जा रहा है कि वैकेंसी इंक्रीज होके 30,365 पोस्ट हो गया साथियों। ये जानना है साथियों कि ये सही है या गलत है, ये जो नोटिस सर्कुलेट हो रहा है साथियों, ये सही है ये गलत है। तो साथियों, जैसा सूचना मिल रहा है और जिस तरह से अगर हम जांच किए साथियों, अगर मिलान किए, तो पता चल रहा है कि साथियों कि ये जो वैकेंसी है ये फॉल्स है, फेक है, इसको एडिट किया गया साथियों। क्योंकि साथियों, अगर आप गौर से देखिएगा तो ये नोटिस भी आपको 18 तारीख को ही निकला है। तो साथियों, जब 18 तारीख को एलपी का भी निकला और 18 तारीख को टेक्नीशियन का भी नोटिस निकला, तो 18 तारीख को ये सर्कुलेट क्यों नहीं हुआ साथियों? सोचने वाली बात है। जब आग की तरह एलपी का नोटिस फैल गया, तो टेक्नीशियन का क्यों नहीं फैला, जब एक ही डेट को इशू हुआ है? तो जो आरआरबी एलपी का नोटिस अगर वायरल किए होंगे, कहीं साइट से तो डाउनलोड किए होंगे एलपी का, तो जब उसी डेट में नोटिस जारी किया गया है तो टेक्नीशियन का भी वो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये साथियों वायरल हो रहा भी 19 तारीख के दो घंटे पहले से, जब हम वीडियो बना रहे हैं 2 से 3 घंटे पहले से। ये तो साथियों पहला हिंट हो गया। दूसरा हिंट इसमें क्या है साथियों, कि A to Z जिस तरह से परफॉर्मा तैयार किया गया है एएलपी का, सेम A to Z एक एक अक्षर का लिखावट वही है साथियों। सिर्फ चेंज कहां किया गया है, टेक्नीशियन जहां एलपी लिखा हुआ था वहां टेक्नीशियन लिख दिया गया है, जहां जहां एलपी लिखा हुआ था वहां वहां
टेक्नीशियन लिख दिया गया है। लेकिन दिक्कत यह साथियों कि एएलपी जो लिखा हुआ था उस जो जिस फॉन्ट में टोटल शब्द लिखा हुआ था उसी फॉन्ट में लिखा हुआ था, लेकिन इसमें जब आप गौर कीजिएगा तो आप ये देखिएगा कि टेक्नीशियन का फॉन्ट और सभी फॉन्ट से अलग है। तो इससे भी होता है साथियों कि ये जो नोटिफिकेशन है एडिट किया गया है, फॉल्स है, भ्रमित किया गया है लोगों को। अब तीसरा है साथियों कि आप देखिएगा कि जिस तरह से प्रत्येक जोन एएलपी में आपको सजाया गया है, ठीक उसी तरह से आपको ए टू जेड आपको टेक्नीशियन में भी जोन सजाया गया है, और जिस तरह से एएलपी में 3 गुना सीट बढ़ाया गया है, ठीक उसी तरह से टेक्नीशियन में भी एग्जैक्ट 3 गुना से कुछ ज्यादा पोस्ट बढ़ाया गया साथियों, जो कि पच नहीं रहा है साथियों। यानी कि नोटिफिकेशन जो है ये फेक है, एडिट किया गया है। तो हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे साथियों, जो भी ये काम कर रहे हैं साथियों, ये काम ना करें, लोग को परेशान मत करें। हाँ, अगर बढ़ेगा तो खुशखबरी है, सभी लड़कों के लिए खुशखबरी है, लेकिन इस तरह से भ्रम ना फैलाएं लोगों में। और एएलपी का चूंकि बढ़ ही गया साथियों वैकेंसी, तो तैयारी में लग जाइए और एंजॉय कीजिए। यही सूचना आप लोग के साथ साझा करना था साथियों। थैंक यू।